चलो अब देखो, अब देखना, तो cos माइनस ऑफ पाई बाई फोर माइनस वन बाई रूट टू, अब ये माइनस टू है, ये थ्री पाई बाई टू है, अब थ्री पाई बाई टू माइनस पाई बाई फोर, मतलब थ्री पाई बाई टू में से कुछ एंगल घटाया है, दैट इज लेस देन 90, तो थ्री पाई बाई टू में से कुछ एंगल घटाओगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में टैन थीटा के अलावा सब क्या है? नहीं, माइनस नेगेटिव, नेगेटिव। अरे नहीं आएगा समझ में, आगे सर सर ब्रैकेट वाली वैल्यूज देखते ना अपन। हाँ बेटा, ये ब्रैकेट वाली वैल्यूज देखते ना, जैसे साइन की वैल्यू अगर इसी के हिसाब से, कॉस की नहीं देखेंगे जैसे चेंज हुआ नीचे। हाँ बिल्कुल, अब देखो ये कॉस 2 पाई प्लस है सर, ये साइन कॉस में कैसे कन्वर्ट हो गया ये तो बता दो। क्या हुआ सर? साइन कॉस में कैसे कन्वर्ट हुआ एक बार ये बता दो ऊपर वाले। अरे यार मैं सही में मर जाऊंगा यार कहीं जाके। अपॉन 2 इसलिए, कितनी बार तो मैं बोल चुका अपॉन 2 होता ना पाई के तो कन्वर्ट होता है बेटा। हेलो, ओके सर, अभी ऑफलाइन होता ना तो मैं गर्दन पकड़ के चल आप समझा देता, अभी क्या ऑफलाइन नहीं है, नहीं तो मैं अभी मरोड़ देता, मैं मुंडी मरोड़ देता तेरी अभी। इधर देख, अब 2 पाई माइनस पाई बाई 6 है तो 2 पाई, तो क्या मुझे बताओ कॉस साइन में कन्वर्ट होगा क्या? ना होगा सर, नहीं होगा, ना होगा, कॉस ही रहेगा, कॉस पाई बाई 6। अब यहाँ पर प्लस आएगा माइनस आएगा ये निर्भर करेगा कि क्वाड्रेंट कौन सा है सर। प्लस ही रहेगा, फोर्थ रुक जाओ सब्र करो, 2 पाई माइनस पाई बाई 6 है तो कौन सा क्वाड्रेंट है? 2 पाई में से कुछ घटाया कम किया तो कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? प्लस, पॉजिटिव, यहाँ प्लस रहेगा तो ये पाई बाई 6 कितना होता है बेटा? रूट थ्री बाई टू, प्लस रूट थ्री बाई टू, बस पाई बाई 6 का मतलब पाई मतलब 180 जो नए बच्चे हैं 36 18, ठीक है चलो अब देखते हैं अपन। तो पाई प्लस पाई बाई 4 है ना, अब पाई प्लस पाई बाई 4 तो मुझे बताओ ये 10 क्या कोट में कन्वर्ट होगा? नहीं होगा सर, नहीं सर, नो सर। क्या 10 कोट में कन्वर्ट होगा? नहीं सर, नहीं होगा, नो सर, 10 का 10 ही रहेगा, 10 पाई बाई 4। अब ये पाई प्लस पाई बाई 4 कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में यहां पर, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस 1 यहां प्लस, और पाई बाई 4 होता 1 तो प्लस 1, प्लस 1। वेरी गुड, बात समझ में आई कि नहीं? यस सर, यस सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ऐसा तो कोई सवाल ही नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, और देता हूं मैं ना, लेट अस डू मोर क्वेश्चन ना कोई भी। चलो ये बताओ, तीनों बता दो आराम से, कोई गड़बड़ नहीं है, और आज मैं शीट भेजूंगा आपको रात को, मेरी क्लास खत्म होती है 8 बजे, उसके बाद टू किसका आ रहा है? टू तो किसी का ही नहीं आता, टू तो वैल्यू नहीं होती कोई, मरवाओगे तुम, 1 0 से लेके 1 तक होती है वैल्यूज सर। प्लीज साइड,
देखो पहली बात, आ जाओ इधर सारे बच्चे समझो, क्या साइन कॉस में चेंज होगा? यस सर होगा सर, कॉस पाई बाई। अच्छा अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। वेरी गुड, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव, यहाँ पर प्लस कॉस आएगा कि माइनस आएगा? प्लस प्लस। और पाई बाई फोर होता है 1/√2, तो इट विल बी 1/√2 पॉजिटिव। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वेरी गुड है ना। अब देखो, अब ये कॉस पाई माइनस पाई बाई फोर है, तो मुझे बताओ कौन सा क्वाड्रेंट है ये? सर थर्ड। सर थर्ड। तो कॉस साइन में कन्वर्ट होगा क्या? नहीं सर। नहीं नहीं सर। तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई फोर। अब पाई माइनस पाई बाई फोर है, थर्ड बोला ना उसको मैं ना सही में उल्टा। सर चेंज नहीं होगा कॉस में ना, साइन कहां से कर दिया? साइन कहां से कर दिया? कॉस में नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। अरे रुको, मैं चेक कर रहा था तुमको, मैंने गलती नहीं की है, मैं चेक कर रहा था कि तुम्हारा ध्यान किधर है। मैं गलती नहीं करता हूँ, जब भी मैं गलती करता हूँ समझ लेना कि सर चेक कर रहे हैं कि ध्यान किधर है तुम्हारा। वेरी स्मार्ट, आई एम वेरी स्मार्ट, पागल मत समझना मेरे को। सर वी टू इयर्स ऑफ टीचिंग कॉस पाई बाई फोर। अब मुझे बताओ कि ये पाई माइनस पाई बाई फोर है कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड। सेकंड। थर्ड, थर्ड बोला ना, थर्ड बोला। मैं ऊपर मुंह कर देखा नहीं था कौन सा क्वाड्रेंट है। सेकंड। अरे सेकंड, ये तो थर्ड है। ये कहां से थर्ड है? पाई माइनस पाई बाई फोर थर्ड कहां से हो गया? पाई में सब कुछ क्या हाथ लगाया था, सेकंड में आएगा। अरे सर नीचे रखा था, मेरे को लगा। हाँ, तो ये सेकंड हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या है भाई? नेगेटिव। तो इट विल बी, और कॉस पाई बाई फोर क्या होता है? तो इट विल बी माइनस वन अपॉन रूट, माइनस वन अपॉन रूट। अब टेन क्या कोट में कन्वर्ट होगा? होगा। यस सर होगा। कॉट पाई बाई। अब मुझे एक बात बताओ कि ये कॉट जो होगा, कॉट पाई बाई थ्री होगा, ये थ्री पाई बाई टू प्लस थ्री है, कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड। फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट देखना तो ठीक लो यार, थ्री पाई बाई टू में कुछ ऐड कर रहे हो, क्यों मरवा रहे हो यार मेरे को यार से। थ्री पाई बाई टू, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ। फोर्थ में आपका ये टेन क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। बाकी वो मतलब सर। हाँ बोलो सर, फर्स्ट क्वेश्चन में माइनस वन बाय रूट टू क्यों नहीं किया सर, एक बार समझाना। देखो सर कॉस आ गया था ना, यही तो गड़बड़ है, तुम ये गड़बड़ करो बेटा। साइन अपन उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का देखते हैं जो चेंज हो रहा है। यस सर। जो चेंज हो गया उसका थोड़ी देखेंगे। यस सर। आई बेटा बात समझ में? काव्य। यस सर भाई। है ना, इस फर्स्ट फंक्शन का देखते हैं अपन। मैं हमेशा इसका देख रहा हूँ, इसका नहीं देख रहा, ये तो बाद में है ना, इसका देखना है। इस क्वाड्रेंट में ये क्या है, इस क्वाड्रेंट में ये क्या है, बात आई समझ में? यस सर। यस सर। अब देख, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं और क्वेश्चन दे रहा हूं, ट्राई कर रहा, ठीक है? चलो अब बताओ बेटा, जो बच्चे नए हैं ना, मेरी रिक्वेस्ट है मेरे दोनों वीडियोस देख लेना, ज्यादा लंबे नहीं है। फिर जो शीट भेजी है वो सॉल्व कर लेना, तो आपको ये समझ में आ जाएगा जो मैं भी रसोड़ा बना रहा हूँ या जो भी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है बेटा, अच्छे से देख लो। रेजान फैजान बेटा वेरी गुड है ना बेटा।
अच्छा क्या ये sec cosec में चेंज होगा? नहीं होगा। नो सर। नो सर। cosec pi by 4 आप ठीक है चलो बहुत बढ़िया है ना। अब देखो अब ये sec 2 pi plus pi by 4 नहीं होगा चेंज। अब मुझे एक बात बताओ कि ये 2 pi plus pi by 4 कौन सा quadrant? फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट ठीक है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है? पॉजिटिव सभी पॉजिटिव होते हैं सर। तो पॉजिटिव होता है। अब कोसेक पाई बाय 4 कितना होता है बेटा? 1 रूट 2। अरे हां तुम कोसेक थोड़ी ना सेक। अच्छा कोसेक सर वहां चेंज क्यों? सर वहां पे चेंज क्यों होगा? सर चेंज क्यों होगा? सेक ही तो आएगा। वेरी गुड यही तो मैं ये बोल गया कॉसेक आएगा। ध्यान नहीं कुछ बच्चे तो ध्यान दे रहे हैं बाकी तो बिल्कुल पागल है। सेक पाई बाई 4 नहीं होगा चेंज। मैं बोलता हूँ हो गया हो गया ऐसे पागल है कहीं तुम क्या बताऊं मैं मतलब कॉन्फिडेंस शून्य अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है भाई। 2 पाई प्लस पाई बाई 4 है तो सेक 2 पाई तो चेंज होगा ही नहीं। अब यहाँ पर ये क्या आएगा प्लस आएगा कि माइनस आएगा? प्लस आएगा सर। प्लस आएगा सर। पॉजिटिव होता है। रूट टू पॉजिटिव। सर मैंने सही बताया था आंसर। हाँ बिल्कुल सही है बहुत बढ़िया। चलो अब कोसेक 2 पाई माइनस पाई बाई 4 क्या चेंज होगा? यस सर। नो सर। नो सर। नहीं होगा। नो सर। नहीं होगा। नहीं होगा नहीं होगा। सर बाय 2 नहीं है ना? सेक पाई बाई 4 मुझे बताओ ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ। फोर्थ फोर्थ में कॉसेक क्या होता है? माइनस रूट 3 नेगेटिव माइनस रूट 2 नेगेटिव इट विल बी माइनस। बात समझ में आई? अब तुम सही पकड़ रहे हो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा आया तुम। अब साइन पाई माइनस पाई बाय 6 चेंज होगा क्या? नो सर। नो सर। क्यों? तू नहीं यार फ्रैक्स अपॉन में कॉस पाई माइनस पाई बाय 6 कर दिया आपने। सेकंड सेकंड क्वाड्रेंट है। बहुत बढ़िया। अरे हां यही कॉन्फिडेंस चाहिए मुझे बस तुमने ठीक है और नजर पूरी इधर चाहिए। अब मुझे बताओ कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। सेकंड सेकंड तो प्लस की माइनस सेकंड में साइन क्या होता है? प्लस 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 पॉजिटिव प्लस 1/2 तो पाई बाय 6 कितना होता बेटा? प्लस 1/2 पॉजिटिव। तो आज एक काम तो सब बच्चे घर पे जाके ये करना घर पे ही हो तुम जाओ है ना 30 60 90 45 इन सब की वैल्यूज याद करना ठीक है। और दूसरा फिर मैं आज शीट भेजूंगा वो सॉल्व करना। मुझे जल्दी फटाफट बोलो जीरो फिर अपन रुके नहीं ये तो एक चक्कर काटा फिर अपन और चक्कर काट रहे हैं। 5 पाई बाय 2 फिर ऐड करेंगे तो 5 पाई बाय 2 फिर ऐड करेंगे तो 3 पाई फिर 7 पाई बाय 2 4 पाई ऐसे चलते रहेंगे 9 पाई बाय 2 ऐसे। तो अभी तक तो मैंने आपको 3 पाई बाय 2 ये सब दिया था अब मैं 5 पाई बाय 2 इसके क्वेश्चन में दूंगा शीट में ठीक है बेटा। तो ये आपको ध्यान रखना है उसको नोट कर लो। अब बेटा जो बच्चे नए आए हैं जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे हाई नहीं भेजा वो व्हाट्सएप पे हाई भेजो ठीक है। और पीछे के वीडियोस में भी दोबारा भेज दूंगा सब देख लेना ठीक है। आज की रिकॉर्डिंग में भेज दूंगी ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद मतलब क्लास पसंद आई हो तो लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब तो करने का ऑप्शन नहीं है। शेयर करो बच्चों को बताओ दूसरे बच्चों को कि क्लास चल रही है डेमो लेके देखो 10 दिन 15 दिन 20 दिन 25 दिन 1 महीना ठीक है। चलो बेटा बाय। चैनल नेम तो पता चल जाएगा तुम मेरे को क्या बोलते हैं व्हाट्सएप पे हाई करो बेटा और नंबर मेरा पता है तुमको नंबर में बताया था दोबारा जिसको नंबर नहीं पता
9672188001। ठीक है, चलो बेटा।